नमस्कार दोस्तों, आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे एक एक करके विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को है बड़ा खतरा। सुरक्षा एजेंसियों ने दी है चेतावनी, कहा कुछ जगहों पर नहीं चल सकते हैं वो पैदल। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है कर्नाटक से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक में पीएम मोदी के साइलेंस ऑर्डरों पर है कांग्रेस की नज़र। प्रियंका गांधी को आगे चलकर मिलेगा बड़ा दाव। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें तीसरी सबसे बड़ी अपडेट में कि निकाह के बाद राखी सावंत ने शौहर आदिल खान संग शेयर किया बेडरूम वीडियो, किस करते नजर राय कपल। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे सबसे बड़ी अपडेट में कांग्रेस और बीजेपी के चल रही कहासुनी में। आपको बता दें वरुण गांधी को लेकर इस समय समाचार कुछ सुर्खियों में आए हैं। आपको बता दें कि मैं उनसे मिल सकता हूं, ऐसा कहा राहुल गांधी ने, और कहा मैं गले भी लगा सकता हूं। लेकिन वरुण गांधी कांग्रेस में एंट्री करें, इस पर क्या बोले राहुल गांधी आपको आगे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वहीं पांचवी सबसे बड़ी अपडेट है कि राहुल गांधी बोले देश की संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का पूरा कंट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि इसी पर भी है उनका दबदबा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे कि ओबीसी का तीखा बयान, कहा कि शादी की उम्र बढ़ाई और शराब पर केंद्र पर किया है बड़ा अटैक। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे कि आरएसएस मुख्यालय को किस आधार पर दी गई है सुरक्षा। बुजुर्ग के आरटीआई से जानकारी मांगी तो पुलिस ने भेज दिया समन, कोर्ट पहुंचा मामला। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे मुस्लिम हिंदू में भाईचारे का समन्वय। आपको बता दें कि केरल में इस्लामिक संस्था में पढ़ाई जा रही है भगवद्गीता और अन्य हिंदू धर्म भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता देंगे कि चिकन शॉप पर कहासुनी, पथवार में बिगड़ा माहौल, 12 थानों की पुलिस तैनात। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे कि आबादी में टॉप पर पहुंच रहा है भारत, यार राज सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर देगा इनाम। वहीं आपको बताएंगे अंडरवर्ल्ड डॉन्स दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी, पहली बीवी को दिया है तलाक। आपको बता दें पाकिस्तान से बदला ठिकाना। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपको पहली सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को बड़ा खतरा। सुरक्षा एजेंसियों ने दी है चेतावनी, कहा कुछ जगहों पर नहीं चल सकते हैं वो पैदल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय बिजी है राहुल गांधी को लेकर। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कुछ जगहों पर नहीं चलने की सलाह दी गई। आपको बता दें सुरक्षा के मुताबिक जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर के कुछ जगहों पर पैदल चलने से बचना चाहिए। आपको बता दें पैदल के बजाय उन्हें कार यात्रा करनी चाहिए। आपको बता दें राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर के लखनपुर में एंट्री करेगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल 7 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें दूसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही कर्नाटक से। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में पीएम मोदी के साइलेंस ऑर्डरों पर है कांग्रेस की नज़र। प्रियंका गांधी को आगे चलकर बड़ा मिलेगा दांव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों से गुजर रही है इस समय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो कांग्रेस सत्ता ने वापसी के लिए हर संभव कोशिश जुटी कर दी है। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को महिला के लिए ममत वादे किए हैं, जिनमें 2,000 रुपये प्रति महीने देने का भी बड़ा ऐलान किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश में एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी को मिल रही जीत से साइलेंस ओटरो ट्रंप कार्ड साबित हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम मोदी ने बिहार में जीत का श्रेय साइलेंस ओटरों को दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम ने खुद बताया कि ये साइलेंस ओटर कोई और नहीं बल्कि महिलाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि निकाह के बाद राखी सावंत ने अपने शौहर आदिल खान के साथ किया है बेडरूम वीडियो शेयर, जिसमें किस करते नजर आए कपल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें निकाह के 4 दिन बाद एक्टर राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर अपने पति आदिल खान के साथ रोमांटिक वीडियो शेयर किया, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिग बॉस फेमस राखी सावंत ने पति आदिल खान के साथ अपनी शादी रचा ली है और अपना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रही, और इससे लोग यूजर्स अलग अलग अपने कमेंट दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें चौथी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस में इस समय कहासुनी, बीजेपी में हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मैं उनसे मिल सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ, लेकिन वरुण गांधी की एंट्री पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी ही पार्टी की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि वे ना ही नेहरू के खिलाफ है और ना ही कांग्रेस के। इसके बाद आपको बता दें ऐसा कैसा लगाया जा रहा है कि वह जल्द ही बीजेपी छोड़कर
कांग्रेस में आना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में उनका भी समर्थन रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें चौथी सबसे बड़ी अपडेट है, राहुल गांधी बोले कि देश की संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का पूरा कंट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रेस इसी पर भी उनका दबदबा रहा, ऐसा रहा राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आइए बता दें क्या कहा राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी ने पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। आपको बता दें सभी संस्थाओं पर उनका दबदबा है, प्रेस पर उनका भी दबदबा है, चुनाव आयोग पर उनका दबदबा। उससे पहले आपको बता दें दो राजनीतिक पार्टियों के बीच लड़ाई होती है तब वह लड़ाई नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु से कन्याकुमारी पर चल रही थी यात्रा, उस दौरान एक मीटिंग में यह कहा राहुल गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें ओवैसी का सबसे बड़ा बयान, कहा शादी की उम्र बढ़ाई और शराब के केंद्र पर दिया तीखा अटैक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली मौतों के कारण में देश की जीडीपी 1.4% की कमी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एमआई के चीफ अदुसुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा शराब से होने वाली मौतों का हवाला देते हुए युवाओं को राजनीति में शामिल करने की बात कहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कसा सिकंजा कसते हुए बीजेपी के शादी की उम्र 21 साल करना चाहती है लेकिन शराब के लिए न्यूनतम घटाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शराब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, यह केवल सरकार के टैक्स रिव्यूज तक सीमित ही नहीं रहता। आपको बता दें ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि शराब से होने वाली मौतों के कारण जीडीपी को भी 1.5% का बड़ा नुकसान होता है, जमकर बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें छठवीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, आपको बता दें आरएसएस को किस आधार पर दी गई है सुरक्षा, बुजुर्ग के आरटीआई से जानकारी मांगी तो पुलिस ने भेज दिया समन्वय, कोर्ट में पहुंचा मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर के बेंच में 61 वर्षीय बुजुर्ग की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और नागपुर पुलिस को नोटिस जारी किया। दरअसल बुजुर्ग ने एक आरटीआई के जरिए महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि किस आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय को सुरक्षा प्रदान की गई है और इस पर कितना खर्च आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आरटीआई दाखिल करने वाले 61 वर्षीय ललन किशोर सिंह का दावा है कि वो दिहाड़ी मजदूर साथ ही एक्टिविस्टिक भी हैं। आपको बता दें उन्होंने कोर्ट में मांगा कि उन्होंने नागपुर के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा 26 दिसंबर 2021 द्वारा यह नोटिस रद्द कर दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित देव और जस्टिस वाईवी वड़खड़े ने कहा कि सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सातवीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है, भाईचारा हिंदू मुस्लिम में देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केरल से निकल के आ रही खबर, केरल में इस्लामिक संस्था में पढ़ाई जा रही भगवद गीता अन्य हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इस्लामिक संस्था में 11वीं और 12वीं के छात्रों को संस्कृत व्याकरण के स्थान पर संस्कृत के तहत भगवद गीता और अन्य हिंदू ग्रंथों की पढ़ाई कराई जाएगी। जहां तो बता दें ये नए पाठ्यक्रम को इसी साल जून के नए अकादमिक वर्ष शुरू होगा और शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें आठवीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है कि आबादी के टॉप पर जा रहा है भारत, यह राज देगा बच्चों का पैदा करने पर इनाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश में बढ़ती आबादी को लेकर अक्सर चिंताएं जताई जाती हैं और तब रहा कहा जाता है कि अगले कुछ सालों में भारत चीन को भी पीछे छोड़कर जनसंख्या में सबसे आगे निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच देश में एक राज ने आबादी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वो राज कोई और नहीं सिक्किम है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको सिक्किम के सिम प्रेम सिंह तंगा ने ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को इनाम देने का ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें नौवीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी की, पहली बीवी को दिया है तलाक। जी हाँ दोस्तों, और बता दें अपना बदला ठिकाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी रचा ली है और अपनी पहली विवाह बीवी महज वीन को दे दिया है तलाक। सूत्रों के मुताबिक महज वीन अभी भी दाऊद इब्राहिम के साथ ही रहती हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी बीवी पाकिस्तानी है और पठान है। ऐसे में खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बदल लिया है। आपको बता दें पाकिस्तान आर्मी और खुफिया एजेंसियों ने दाऊद का ठिकाना बदला और सुरक्षा के लिहाज से कराची के शहर में दाऊद इब्राहिम को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक